उनके व्यापारियों ने चौड़ी सड़कों के बजाय अपने रोजगार को सलामत रखने की मांग की है। व्यापारियों ने सड़क निर्माण के अनियमितता के साथ सड़क विभाग पर अपनी समस्याओं को नहीं सुनने जाने की बात कही है। सड़क विभाग की शिकायत पर ऊन के पनवाड़ा रोड की कुछ व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस मार्ग के कुछ रसूखदारों के पक्के निर्माणों को बख्शा जा रहा है। कुछ इसी तरह के आरोप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग पर ऊन के व्यापारियों ने लगाए हैं। व्यापारियों ने अपने लिखित जवाब पत्र के माध्यम से बताया है कि उनकी दुकानों के सामने पर्याप्त जगह होने के बावजूद ग्रामीण सड़क विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि इसी मार्ग पर सेंटर पॉइंट से नपती में आने वाले कई पक्के निर्माणों को इसी कार्यवाही में छोड़ा जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क विभाग द्वारा 16 किलोमीटर की इस सड़क में केवल ऊन के 150 मीटर के दायरे के लोगों को अतिक्रमण बताकर कार्यवाही करने के प्रयास हो रहे हैं। ऊन से दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। अब ग्राम ऊन के छोटे व्यापारी और आप पिछले 3 माह से परेशान हो, आप बता रहे हैं किस तरह की परेशानी आप पर रही है? भैया ये ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है। पूर्व में ये सड़क एक बार बन चुकी है किंतु पुनः इसका नवीनीकरण किया जा रहा है और इस सड़क को मतलब ऊन से पनवाड़ा होके सांगवी और केली की ओर ले जाना है। और इस रोड पर हमारी भी छोटी सी दुकान है। वैसे ऊन में व्यापार तो नाम मात्र का होता है लेकिन बेरोजगारी के कारण अब रोजगार कहीं मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं तो स्वयं का रोजगार लगा के बैठे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, बैंकों से लोन दिलाएंगे, फलाना हमका ढिमका सारी बातें होती है लेकिन सरकार सिर्फ घोषणाएं कर देती है, न किसी को रोजगार मिलता। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मार्ग पर आपकी दुकानें यथावत बनी रहे और सड़क भी बन जाए? हमारा सड़क विभाग से और राजस्व विभाग से निवेदन था और हमको जो नोटिस मिला था तो हमने उनको 30 तारीख को जवाब दे दिया है। जवाब के बाद में हमने सोचा कि हम आए हैं तो सड़क विभाग वालों से भी मिल लिया जाए। जब सड़क विभाग वालों से हम मिलने गए, उनसे बातचीत की, हमने विनम्रता से बातचीत की, निवेदन किया कि साहब आप जितनी रोड बनाना चाहते हो, जितनी क्षमता में आप रोड लेना चाह रहे हैं उतना हमारे पास ज़मीन है, वो वहाँ तक आपकी रोड बन सकती है जी। फिर भी हमारी दुकानें बच जाएगी। इसके बाद भी उन्होंने हमारे निवेदन पर कोई विचार नहीं किया और उन्होंने बोला कि भाई हम तो जो हमारे नियम में आएगा वो करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सड़क और दुकानें बच जाए, सड़क भी निकल जाए? हमारा ये निवेदन है कि यथावत सड़क बना दी जाए। अच्छा। और हमारा रोजगार भी बचे, हमारी दुकानें भी बच जाए और सड़क निर्माण का काम भी हो जाए ताकि आवागमन के लिए सुविधा हो जाए, गांव के लोगों को भी फायदा मिले और सड़क निर्माण वालों को। अगर प्रशासन आपकी मांगे, आपकी जो आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होता है और आपका नुकसान होता है तो आप किस तरह के कदम और उठाएंगे आगे? अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और इन्होंने अनसुनी की गई और अगर हमें यहाँ से बेदखल किया गया तो हम अमरण अनशन कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, पूरे परिवार को ले जाके कलेक्टर ऑफिस में धरना धरेंगे और ग्रामीण सड़क योजना जो निर्माण कर रहे हैं उनके अधिकारी कर्मचारियों पर भी हम क्लेम कर सकते हैं। क्या नाम लेते हैं? हम सालग्राम मोरे, मेरा नाम है, मैं ऊन रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।